हेलो एवरीवन, देखिए आज हम लोग जो है एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम को कैसे 60 डेज में इसको क्रैक किया जाए। ठीक है, इससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको पहले बता देते हैं। ठीक है, एक सीयूईटी को लेके आपका डाउट होगा, हमने पहले भी एक इस पे एक वीडियो बना दी है। तो देखिए, बीएचयू एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, इसका एंट्रेंस एग्जाम जो है बीएचयू अलग से कराएगी। ठीक है, दूसरी बात कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। देखिए, इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल के लास्ट वीक तक आ सकता है या मई के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। ठीक है, और लेट भी हो सकता है उससे, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड की एंट्रेंस एग्जाम इसका कब होगा। तो इसकी देखिए एग्जाम डेट जो है ये 15 जुलाई के बाद होगी। ठीक है, ये कन्फर्म है कि 15 जुलाई के बाद होगा। तो टोटल 3 महीने का टाइम है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का इंतजार नहीं करना है आपको, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म आए, जुलाई मंथ में आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे, तो अराउंड 3 महीने का टाइम है। अब बात करते हैं कि कैसे जो है इसको 60 डेज में इसको क्रैक किया जाए। तो देखिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला कि आपको एग्जाम पैटर्न मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको सिलेबस कंप्लीट मालूम होना चाहिए और प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें आपके पास हैं, इसका आप एक बार एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है, फिर आप उस तरीके से टारगेट करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए, टोटल जो है 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2 आवर्स का पेपर होगा, 600 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, सही पे 4 मार्क्स, एक गलत होता है तो 1 मार्क्स की जो है निगेटिव मार्किंग है। तो ये आपका टोटल पैटर्न है। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल 5 सेक्शन होंगे, हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शनल रहेगा, कोई एक सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 30 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है, अब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से जो प्रीवियस ईयर पेपर था, कोई पर्टिकुलर इसमें सेक्शन में नहीं है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन अप्रॉक्स 30-30 सब में से होनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर में 35 क्वेश्चन आए थे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से, लीगल से 25 क्वेश्चन थे, मैथ से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 थे और रीजनिंग से अराउंड जो है ये 25 के अराउंड थे। ठीक है, तो ये आपका टोटल प्रीवियस ईयर का जो है पैटर्न था। ठीक है, तो ये पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, ये प्रीवियस ईयर का जो है ये बीएचयू का ब्रोशर है और ये देखिए एलएलबी से रिलेटेड यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है। क्या है इसको देखिए, इन्होंने बस इतना बताया है कि 2 घंटे का पेपर है, 150 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन्होंने केवल सेक्शन के नेम मेंशन किए हैं। ठीक है, कि लीगल रहेगा, जनरल अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे। हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन है। ठीक है, एक सेक्शन आपको करने हैं। ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड और वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो बीएचयू का पेपर जो है ये एनटीए कराती है। ठीक है, इन्होंने कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं दिया था, लेकिन अगर इस बार कोई पर्टिकुलर सिलेबस आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न आपने देख लिया, सिलेबस आपने देख लिया कि मेंशन नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर है। प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये है प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आते हैं लीगल एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सारी डिटेल हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए लीगल में आपको क्या पढ़ना है, लीगल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के जो क्वेश्चन है इसको, इस पे आपका कमांड होना चाहिए। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन प्रिंसिपल और फैक्ट के थे। कॉन्स्टिट्यूशन से नियर अराउंड 10 या 12 क्वेश्चन आए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे हम आपको जो है 500 MCQ क्वेश्चन आपको इस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी, यूट्यूब पे बहुत जल्दी वीडियो आएगी। ठीक है, 500+ क्वेश्चन रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो प्रिंसिपल फैक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हो गए और लीगल टर्म्स पे जो है आपका कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो ये लीगल का जो है आपका पर्टिकुलर सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर की। तो जनरल अवेयरनेस में साइंस से भी क्वेश्चन है, पॉलिटी से भी है, हिस्ट्री से भी है, ज्योग्राफी से भी है, तो ये तो काफी वाइड सिलेबस है, ये सब कुछ कवर करना होगा। और करंट अफेयर के लिए लास्ट 5 to 6 मंथ का करंट अफेयर आप देख लीजिए। ठीक है, ये भी हम लोग आपको करा देंगे। अब बात करते हैं कौन सेक्शन से। ठीक है, अब देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, ये पेपर हम आपको डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का हमने एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 या 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के थे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज से क्वेश्चन आया हुआ है, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का भी था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स का
पूरा सिलेबस हो गया। अब देखिए रीजनिंग में क्या था, रीजनिंग में एक पजल आई हुई थी, ठीक है, उसके बाद से पजल हो गया, उसके बाद से डायरेक्शन से क्वेश्चन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, एनालॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा जो है रीजनिंग का है जो उन्होंने प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, तो एक तरीके से आपको पूरा पूरा रीजनिंग करना होगा। और अभी देखिए इन्होंने एसआई रेशियो प्रोपोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है अभी, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस टाइम से क्वेश्चन नहीं था, हो सकता है इस बार स्पीड डिस्टेंस टाइम से भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस आपको ये सारी चीजें करनी होंगी, ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए, लैंग्वेज की बात की जाए, तो इंग्लिश सेक्शन में मैक्सिमम सिनोनिम्स क्वेश्चन, सिनोनिम्स आया हुआ है, PQRS टाइप के जो जंबल वर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो पूछे गए हैं, और एरर वाले क्वेश्चन आए हैं इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में। और हिंदी में बात की जाए तो वही मुहावरे हैं, विलोम शब्द हैं, समास है, ठीक है, स्वर और व्यंजन है, और संधि से भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा आपका कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर का जो है ये एनालिसिस, ठीक है। सिलेबस तो नहीं है लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर है, यहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा कि लेवल क्या रहेगा, तो इस तरीके से आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल गया है तो टारगेट आप ये बनाइए कि 60 डेज में, ठीक है, ये सारे कोर्स आपके कंप्लीट हो जाए। फिर जो लास्ट वन मंथ रहेगा, ठीक है, इसमें आप कोशिश करिए मैक्सिमम मॉक दीजिए, क्यों, क्योंकि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, और इसमें मैथ्स और रीजनिंग भी है, नियर अराउंड 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो स्पीड, ठीक है, यहाँ मैटर करेगी। तो आखिरी एक महीने आपको मॉक देना है और इसमें आप रिवीजन को रखिए, तो ये दो महीने में 60 डेज में टारगेट ये बनाइए कि कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अप्लीकेशन फॉर्म का कोई टेंशन मत रखिए, क्योंकि देखिए हमने बहुत पहले आपको बता दिया था कि LLB का एग्जाम जो है CVET में नहीं आएगा। अप्लीकेशन फॉर्म भी हमने आपको बता दिया है कि अप्रैल के लास्ट वीक तक आएगा या अराउंड 10 मई के अराउंड भी आ सकता है, ठीक है। तो आप टाइम इतना वेस्ट मत करिए कि कब अप्लीकेशन फॉर्म आएगा, कब क्या होगा, ठीक है। सब डिटेल आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन हमने पहले ही दे दी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कंफर्म चीजें बता दी जा रही हैं, ठीक है। बस ये है कि सिलेबस नहीं है आपके पास, ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है केवल, तो आप इस सबको देख लीजिए और तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनकेस अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए 15 अप्रैल से जो है हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, डेली 2 क्लासेस चलेंगी, और 15 जून तक जो है आपका कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए GS जो है ये IC मैम पढ़ाएंगे, ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड ये अभिलाषा मैम पढ़ाएंगे, ठीक है। पॉन्ड सेक्शन जो है ये मलिक सर देखेंगे, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन जो है ये सौम्या मैम देखेंगे, ठीक है। देखिए डेली 2 क्लासेस चलनी है, 60 डेज में टारगेट ये है कि सब कुछ कंप्लीट हो जाए, और जो लास्ट वन मंथ रहेगा इसमें आप मॉक दीजिए और रिवीजन की चीजें करते रहिए, ठीक है। तो देखिए जितने भी हम लोग आपको स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, ठीक है, आप बस इसको पढ़ते रहिए, उसी को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। स्टडी GK की पूरी क्लासेस नोट्स आपको मिलेंगे, करंट अफेयर पूरी चीजें मिलेंगी आपको, 5 मॉक आपको मिलेंगे, ठीक है, सारे सेक्शनल टेस्ट रहेंगे। और अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या DU को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका भी सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस हो जाएंगे, ऑलरेडी क्वांट सेक्शन के पेपर हम लोगों ने अपलोड कर दिया है सॉल्यूशन, ठीक है, अदर सेक्शन भी आ जाएंगे, सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, ठीक है। अगर किसी दिन आप लाइव क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप होगा, ठीक है, एक अलग से डाउट ग्रुप भी होगा, कोई भी आपका डाउट है तो सारे बच्चे उस पर रहेंगे, सब अपने डाउट वहाँ रख सकते हैं, टीचर जो होंगे आपके सोल्यूशन वहाँ दे देंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सब कुछ जो है 2000 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए मेन ये है कि सबसे पहला टारगेट ये रहेगा कि क्वांट सेक्शन को देखा जाए, ठीक है, क्योंकि क्वांट में जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 60 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग कंबाइन करके 60 क्वेश्चन है, इसको आप टारगेट कर लीजिए क्योंकि ये काफी टाइम टेकिंग, ठीक है। तो अगर आप अंदर टाइम में पेपर नहीं कर पाएंगे तो उसका रीजन सिर्फ क्वांट्स और रीजनिंग ही होगा। तो टारगेट ये रहेगा कि 60 में आप 50 क्वेश्चन कम से कम सही कर ले जाएं। उसके बाद से ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज में 30 है, कम से कम आप 20 कर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 70 कवर हो गया। अब बात आती है GS और लीगल की, टोटल 60 क्वेश्चन है, अगर आप बहुत खराब करेंगे तब भी 30 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, तो ओवरऑल आप 100 क्वेश्चन के आसपास कर लेंगे। और जनरल कैटेगरी के लिए 100 से 110 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 ये सेफ है, ठीक है। हालांकि हर बार कट ऑफ जो है, ठीक है, ये डिफरेंट रहती है, लेकिन टारगेट ये करिए कि 110 प्लस, ठीक है, क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करा दी जाएंगी। तो डेमो वीडियो के लिए आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको डेमो वीडियो भेज दिया जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए,
सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।